दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सबका अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि आज आपको मालूम होना चाहिए, आज 14 मार्च है, 14 मार्च है और ये 14 मार्च के दिन वर्ल्ड पाई डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड पाई डे अर्थात विश्व पाई दिवस। अर्थात आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व पाई दिवस कब मनाया जाता है, ये वाली पाई, तो 14 मार्च, हर वर्ष के 14 मार्च को मनाया जाता है। अब ये पाई का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, जानते ही हैं कि इस पाई का यूज मेंसुरेशन में आपके गणित में कितना ज़्यादा है। मेंसुरेशन अर्थात जब हम लोग क्षेत्रमिति का चैप्टर बनाते हैं तो वहाँ पर इस पाई का बहुत कीमत होता है। अब बात करते हैं कि 14 मार्च को क्यों मनाया जाता है। तो पाई का एक मान संख्यात्मक मान होता है, पाई का जो मान होता है वो 22/7 या फिर 3.14 होता है, 22/7 या 3.14। पाई को अपरिमेय माना जाता है, पाई को क्या माना जाता है, अपरिमेय माना जाता है, जबकि इसके मान को परिमेय राशि माना जाता है। क्या माना जाता है, परिमेय माना जाता है। अब यहीं से आप लोग देखते हैं कि ये 3.14 है, ये जो है 3.14 जो है यही हर वर्ष का तीसरा माह, और हर वर्ष का तीसरा मार्च माह क्या आता है, मार्च आता है, और ये 14 तारीख, तो हर 14 तारीख को तीसरे माह में क्या मनाया जाता है, पाई दिवस मनाया जाता है। तो पाई दिवस को आपकी शुभकामनाएं, पूरा विश्व आज पाई दिवस मना रहा है। अब आगे जब इसकी बात करते हैं तो पाई जो है, पाई एक संख्यात्मक मान के अलावा एक अनुपातिक मान है, पाई जो है एक अनुपातिक मान है। पाई अनुपातिक मान किसका है, पाई जो है एक अनुपातिक मान है, और जो अनुपातिक मान है वो वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का, वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास का, वृत्त की परिधि के लिए 2πr और वृत्त का व्यास 2r, r से r काटेंगे, 2 से 2 काट देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, पाई आ जाएगा, यही पाई इक्वल टू 3.14, यही 14 तारीख और तीसरे माह यानी मार्च 14 को पाई दिवस मनाया जा रहा है। अब पूछा जाए कि पाई का रियल नेम क्या होता है, तो पाई का जो रियल नेम होता है वो फेनमेन पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, फेनमेन पॉइंट बोला जाता है, पाई के रियल मान को फेनमेन पॉइंट बोला जाता है। पाई की खोज किसने की, अब बात करते हैं पाई की खोज, तो पाई की खोज किया जिस वक्त यूरोप के लोग गणित का काखा सीख रहे थे, उस वक्त भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का खोज कर डाला था। आर्यभट्ट भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जिस वक्त यूरोप के लोग गणित का कौखा सीख रहे थे, उस वक्त आर्यभट्ट ने क्या खोज किया था, पाई का वैल्यू खोज किया था, और पाई का मतलब बताया था कि एक अनुपातिक मान। अब यहाँ से तो आप सबको बताते हैं, आज विश्व पाई दिवस, यही पाई का 3.14 14 मार्च को गणित का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र और इंजीनियरिंग का क्षेत्र पूरे दुनिया का पाई दिवस मना रहा है। तो पाई दिवस का आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।